केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के एक वीडियो पर हंगामा मचा है बौद्ध दीक्षा समारोह में शामिल राजेंद्र पाल गौतम ने रामकृष्ण की पूजा न करने की शपथ ली है वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी इस पर हमलावर हो गई बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से राजेंद्र पाल गौतम पर कार्रवाई करने की मांग की है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं सुनिए जरा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी राजेंद्र पाल गौतम की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पूरे मामले में उन्होंने क्या कहा है सुनवाते हैं आपको ये सीधा सीधा दंगा कराने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल का ये क्रूर चेहरा है ऐसा दिखता है अगर वैसा नहीं है तो आज ही 24 घंटे के अंदर गौतम जो भी मिनिस्टर है उनके जिन्होंने ये धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की है उनको सस्पेंड करना चाहिए और बाकी हम पुलिस केस करने जा रहे हैं कंप्लेन कर रहे हैं जो सजा होगी वो तो भुगतेंगे इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता अभय पराशर ने केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से बात की है क्या कुछ कहा उन्होंने सुनवाते हैं आपको तो आप प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे हैं आप मंच पर मौजूद थे वहां पर आप एज ए आम आदमी पार्टी के मंत्री के तौर पर वहां पर गए थे या फिर इस प्रोग्राम के आप संयोजक हैं किस संस्था की तरफ से आप वहां पर गए थे मैं अपने बचपन से बौद्ध धर्म में, में मेरी आस्था है और बचपन से इस प्रोग्राम में जाता रहता हूं हर साल जाता हूं अभी आप किस पद के उससे गए थे वहाँ पर? मैं तो मिशन जय भीम का संरक्षक के नाते गया था जी। और भारतीय बौद्ध महासभा का एक कार्यकर्ता के नाते गया था अच्छा ये बताइए राजेंद्र जी आप जिन शपथ की बात कर रहे हैं बाईस शपथ का आपने जिक्र किया वहां पर जो वीडियो में जिस तरह के जो शपथ दिलाई जा रही है उसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा वो नहीं करेंगे इस तरह की शपथ दिलाने का क्या मतलब है आपको नहीं लगता कि ये हिंदू देवी देवता जो हैं, उनके प्रति एक इस तरीके की भावना वहां पर हो रही है अपमान वहाँ पर किया जा रहा है कि हम इन इन देवी देवताओं की पूजा नहीं, नहीं करेंगे। वीडियो देखिए तब आपको समझ आएगा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर